फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे यार पूरी दुनिया में। तो भाई आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीवी कैसे बनाते हैं दुबई के अंदर, ठीक है? क्योंकि मैं अपने दोस्त की बनवाने के लिए जा रहा हूं और मेरा लैपटॉप तो बताइए आप लोगों को, वो मेरी तरह एकदम ऐसा ही हो गया। तो अभी मैं जा रहा हूं टाइपिंग सेंटर पे, तो आप लोगों को मैं पूरा इन्फॉर्मेशन देता हूं सीवी के बारे में। आप लोगों ने दुबई में आके, अगर जो आप लोग दुबई में हो, बहुत सारे को पता नहीं होता है, और जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता तो वो कैसे बनवाएगा, किधर जाना है, कितना पैसा लगता है, ठीक है, वो अभी मैं बता देता हूँ। तो मैंने इधर जितने भी इधर टाइपिंग सेंटर थे, ठीक है, तो उनसे पूछ लिया, वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो हम जाते हैं एक बहुत अच्छा टाइपिंग सेंटर है सलाउद्दीन पे, और उधर चार पाँच बंदे बैठे रहते हैं, एक फिलिपिनी लड़की बैठी रहती है, तो वो बहुत अच्छी सीवी बनाती है। वैसे मेरे वाली सीवी है, मैं उसी सीवी को सेंड करके उसको बस अपनी इन्फॉर्मेशन की जगह उसकी इन्फॉर्मेशन डलवा लूँगा, ठीक है। इसलिए लग गए आज इधर, क्या बात है यार, ये कब लगा? मेरा दोस्त बोल रहा है कि यार ये तो पहले लगा हुआ है, लेकिन मैं तो यार डेली आता हूँ इधर से, तो मेरे को क्यों नहीं पता यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये तो बात गलत है। सिग्नल ओपन हो गया तो ये पूरा गाड़ी जा रहा है। लो भाई आ गए हम मोतीना के अंदर, ये इधर से मोतीना की एंट्री है और मोतीना के अंदर हम लोग एंटर हो गए अभी। भाई रात का टाइम हो गया, मीन्स शाम हो गई, देखो मेट्रो जा रही है। तो हम जा रहे हैं सीवी बनाने के लिए, तो उसके लिए मैं आप लोगों से पूरा डिटेल देता हूँ भाई, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्या क्या आप लोगों ने मेंशन करना है, किधर से कितना पैसा, ठीक है। तो पहले बनवाते हैं और उसके बाद में शायद यार अंधेरा भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है अभी 20 मिनट के अंदर ही पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो कोई नहीं, पहले बनाते हैं सीवी, उसके बाद में आप लोगों से बताते हैं कि क्या क्या, टाइपिंग सेंटर भी आप लोगों से दिखा देते हैं, ठीक है भाई। भी आ गया मैं एक टाइपिंग सेंटर पर, ठीक है। तो मेरे से 1 किलोमीटर के करीबन था, वैसे उधर भी बहुत सारे थे मेरी तरफ, लेकिन उधर मैं 5 के पास में गया, वो बोल रहा है भाई टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है। मैं बोला कोई नहीं, इधर बहुत ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, मीन्स 5-6 हैं, एक मैं एक इधर फिलिपिन लड़की है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करती है। तो दिखाता हूँ यार भाई, सीवी हम लोगों ने बनवा ली इधर से, ठीक है, और बाकी बातें करते हैं अपने बिल्डिंग में जाके उधर, ठीक है, क्योंकि इधर आपको आवाज़ अच्छी नहीं आएगी कुछ भी, तो बैठ के पूरी बातें बताते हैं, ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने इसमें लिखवाया, कितना पैसा लगा, कितनी हम लोगों ने कॉपी ली, ठीक है। तो पूरा दिखाते हैं, बताता हूँ, ठीक है। तो भाई ये है नेक्स्ट डे, ठीक है। तो उस दिन मेरे को, यानी कि कल मेरे से वीडियो पूरा नहीं बना, थोड़ा काम आ गया था, और करते हैं आज फिनिश। तो हम आ रहे थे सीधा सीवी के ऊपर, ठीक है, कि भाई सीवी कैसे बनता है, हमको कितना पैसा दिया उधर, सब चीज़, ठीक है। उसमें जो हम लोगों ने सीवी बनवाया, क्या क्या चीज़ मीन्स उसके बारे में बताना मेरे को पूरा। देखो यार सीवी क्यों बनाते हैं, सबसे पहले मैं शायद एक मैं पहले वीडियो बनाया हुआ हूँ, अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा या मैं नहीं बनाया तो मेरे को बता देना। सीवी, व्हाट इज़ द सीवी, मतलब सीवी क्या होती है, इसका होता है कि करेक्ट वेरिफिकेशन, शायद मेरे हिसाब से तो यही होता है, ठीक है। मतलब जो भी हमने जो एजुकेशन किया हुआ है, हमारा एक्सपीरियंस, वो सब चीज़ हम एक पेपर पे वो लिख के उसके सामने पेश करते हैं, ठीक है, चाहे हम उसको ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे हम लोग उसको हार्ड कॉपी दे रहे हैं। हार्ड कॉपी का मतलब होता है कि पेज पे प्रिंट करवा के, ठीक है। तो हम लोग गए यार सलाउद्दीन, क्यों गए, मैं बताया था आप लोगों से, हम 5 के पास में गए थे, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े बड़े काम कर रहे थे, कोई वीजे का कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, उधर से उनका ज़्यादा पैसा मिलता है, उन्होंने सोचा यार 10 दरम के लिए क्यों हम लोग इसको कस्टमर को जाने दें। तो हम फिर उधर गए, क्योंकि मैं अपना सीवी भी अपडेट उधर से ही कराया था, और आज देखो ये बाल भी मैं छोटे खुद ही किया अभी, और जाने का टाइम नहीं था यार शॉप पे, सैलून पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आपके उसमें करेक्ट जो आपने किया, वो आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो एक्सपीरियंस है उसमें करेक्ट डालें, मीन्स सही डालें, उसमें कोई फेक ना डालें, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट भी चेक करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आपने जो चीज़ किया है नहीं उसमें ऐड किया हो, क्योंकि उसके लास्ट में भी हम लोग लिखते हैं कि जो हम लोगों ने ये आप लोगों से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर किया है ये करेक्ट है, ये सही है,
क्योंकि बाद में जब आपका इंटरव्यू होगा, आपको डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, वो आपके पास आने तो प्रॉब्लम फेस कर, मीन्स उसका स्टार्टिंग में ट्रस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है कि भाई इसने तो जो हमारे पास पेपर ही दिया वही झूठा दिया, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा वो रखें, दिमाग में रखें। और भाई पैसे कितने लगे यार उसमें, हम लोगों से 10 दरम उसके बनाने के लिए और 5 दरम की हम लोग लिया उससे कॉपी, ठीक है, मीन्स हम लोगों ने 10 कॉपी लिया उससे 50 फिल्स की, मतलब 8 अन्ने बोलते हैं हम लोग उसको, 50 पैसे कि एक कॉपी दिया हम लोगों को, मीन्स 1 दरम की 2 कॉपी। तो इधर इंडिया कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा महंगे हो जाता है, लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ जब स्टार्टिंग में आप लोग आओ तो CV अच्छी सी बना के लेके आओ जो जॉब सर्च करने के लिए, ठीक है। उसमें देखो एक फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो लगा, मैं सोच रहा हूँ एक आप लोगों से शेयर करूँ मैं, अगर जो टाइम मिला तो मैं शायद इसी में करूँगा, शायद नहीं तो मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा CV के लिए। उसमें फ़ोटो भी आपका होना चाहिए, कुछ मैं देखा इधर भी, मैं इंटरव्यू के लिए देखा क्योंकि मैं जब भी जाता था इंटरव्यू के लिए, और जब मैं जिस कंपनी में पहले काम करता था उधर बहुत सारी CV आती थी, क्योंकि उस टाइम मैं ऑफिस के अंदर काम करता था, तो मेरे हाथ में नहीं जाता था मोस्टली 90% डॉक्यूमेंट, तो मैं देखता था आधो के उस पर फ़ोटो भी नहीं होता है, तो भाई बिल्कुल भी उसको मैं HR देखा हुआ उसको कचरे में फेंक देते हैं कि भाई इसको तो बंदे का, सच बताऊँ मैं, मेरे आंखों के सामने की बात है, उसको HR कचरे में फेंक देता है। जिस टाइम ज़्यादातर रिसेप्शन वाले लेते हैं, रिसेप्शन वाला HR को देता है तो कचरे में फेंक देता है मोस्टली, ठीक है। तो फ़ोटो ज़रूर लगाओ उसमें, जो आपका CV है उसमें फ़ोटो ज़रूर लगाओ, बिना फ़ोटो के नहीं बनता है। अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, हमेशा 2 नंबर देने की कोशिश करो, शायद आपका एक ना मिले दूसरा, मीन्स कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर देना, ईमेल ID, ठीक है, ये बहुत दो चीज़, क्योंकि आपको कंपनी कॉन्टैक्ट करेगी किस नंबर से करेगी वो। हाँ, अगर जो आप इंडिया से या किसी दूसरी कंट्री से दुबई के अंदर आ रहे हो विजिट वीज़ा पे, सॉरी, तो आप दुबई में आके भी चाहे पेन से लिख दो, क्योंकि दुबई का आप जो लोग दुबई में आओगे तो आपको कॉल कैसे करेंगे, आपके इंडिया वाले नंबर पे तो कॉल करेंगे नहीं वो, ठीक है, क्योंकि जाएगा नहीं, वो नंबर बंद हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 10 दरम सॉरी 10 दरम से भी बनाने में लगते हैं और बस 5 मिनट में बना के दे देते हैं वो लोग। यार गाड़ी खड़ी हो गई एक सामने, ये गाड़ी आ गई इधर, ठीक है। तो इस गाड़ी का ब्लैक वाली का जो है ना, ये ब्लैक वाली गाड़ी है, तो इसका भी स्टार्ट है शायद, आप लोगों से इसका साउंड भी आ रहा होगा। हाँ भाई, अभी आप बोलोगे तो मेरे फ्रेंड ने CV क्यों, क्योंकि भाई इसका इंटरव्यू है एक कंपनी में और संडे को उसका इंटरव्यू है, उसको कॉल आ गया था और उसने अपना जो CV है वो मेल के थ्रू सेंड किया था, और इसने सोचा कि भाई एक दो CV और भी बना के, मीन्स CV होना चाहिए अपने पास में, क्योंकि इसने वो बोलते हैं ना कि उसमें क्या लिखा हुआ है सब चीज़ उसने नोट भी करना है वो, और कुछ उसमें थोड़ा सा एडिट करवाया जो और कंपनी में भी सेंड करे हो, क्योंकि अभी वैकेंसी धीरे धीरे ओपन हो रही है और वो कंपनी चेंज करेगा अपनी, मेरा फ्रेंड, तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी उसका अच्छी कंपनी से इंटरव्यू है, मैं बताऊँगा अगर जो सिलेक्ट हो गया, नहीं होगा जब भी आप लोगों से मैं शेयर करूँगा, बहुत अच्छी बात है यार। और क्योंकि उधर उसने पिछले महीने एप्लीकेशन को डाला था और उसको इसी महीने इसको कॉल आ गया, तो बहुत अच्छी बात है यार। बस अगर जो भाई इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, हाँ यार एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, आप लोगों का सच में बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग चाहते हो, मीन्स मेरे को पता लग जाता है आपके कमेंट से आप किस टॉपिक पे चाहते हो यार वीडियो, ठीक है, आपने किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिली है। एक लड़के ने, सच बताऊँ, मेरे को आपके हमारे यूट्यूब फैमिली से ही बंदा है वो, उसने मेरे को सजेस्ट किया था कि भाई आप ऐसा करो, ठीक है, वीडियो में ऐसा बोलो अगर जो आप उस पर बनाओगे तो, भाई उसका थैंक यू बहुत यार, क्योंकि यार मेरे को भी इतना पता नहीं, मैं भी, क्योंकि आप लोग क्या देखना चाह रहे हो, क्या सुनना चाह रहे हो मेरे को पता नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा 3000 करीबन हमारा अभी फैमिली होने वाला है, ठीक है, और उसके ऊपर एक मैं तुम लोगों से भाई मैं वादा किया हुआ हूँ, ठीक है, तो मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का भी 70 करीबन 60-65 है, बाकी होते ही मैं एक अच्छे से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, जो मैं आप लोगों से बोला हुआ हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, ठीक है, मेरे को सोना भी है क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को 7:30 बजे ड्यूटी जाना है आज मॉर्निंग में, यानी कि, ठीक है, तो भाई अपना ध्यान रखें, कोई भी यार इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का, गाड़ी जा रही है, जाने दो, गाड़ी गई है इधर से, तो भाई इससे रिलेटेड अगर जो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो यार, और भाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, वो तो आप लोगों को बताना ही नहीं है, और भाई शेयर भी कभी कभी कर दिया करो जो वीडियो मेरी अच्छी लगे, जिससे किसी दूसरे को बेनिफिट हो जाए, और
वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और एक सीवी का मैं वीडियो बना दूंगा एक अलग से, मेरे को दिखाना था बस कैसे कैसे होता है, और बस यही था, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं बहुत सारी बातें, कमेंट कर दो जल्दी जल्दी। ओके बाय बाय।